स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 इसके पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ। जिन्होंने ना देखा हो चैनल के प्लेलिस्ट में बेटा आप लोग विजिट करिए और वहाँ से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 11 7 11 13 13। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ +13 लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन और दिया गया है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए सबसे पहले तो आपको बेटा अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसके लिए आपको पहले ये सीखना होगा। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, समझते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। सो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला क्या होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है बेटा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अ प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड ओनली इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर के लिए उन्हीं को बोलते हैं जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। जैसे कि हम बात करें थ्री की, तो यहाँ पे थ्री देखिए क्या होगा, केवल खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा। हम अगला डिजिट ले लेते हैं फाइव, फाइव खुद से डिवाइड होगा या फिर केवल वन से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। वही अगर कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कोई ऐसे नंबर जिनका जो जो डिवाइड हो वो अपने सिवा और वन के सिवा वो किसी अनदर नंबर से भी क्या हो, डिवाइड हो। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एंड इट्स सेल्फ वेयर अ कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन वन एंड इट्स सेल्फ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। तो देखिए अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 7 × 11 × 13 + 13। इसे हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, कोई कंपोजिट नंबर है। पहली चीज़ यहाँ पे देखिए बेटा, अगर यहाँ पे 13 + 13 की बजाय अगर क्या होता, × 13 होता, यानी कि यहाँ पे भी प्लस की बजाय मल्टीप्लीकेशन हो जाता, तो हम डायरेक्टली बोल देते कि भाई ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी की भी वैल्यू का हम जो फैक्टर लिखते हैं तो हर फैक्टर के बाद हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। बट चूंकि यहाँ पे भाई 3 में तो मल्टीप्लाई था, बट हुआ क्या, जो आखिरी नंबर 13 था वहाँ पे लगा दिया गया है प्लस। तो यहीं से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया और अब आपको यहाँ से तो एक प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले आपको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इन दोनों टर्म को हम दो भाग मान लें, एक ये मान लें और एक भाग हम ये मान लें, यानी कि एक भाग हो गया 7 × 11 × 13 और दूसरा भाग हो गया 13। सो इन दोनों में देखिए है क्या कि बेटा आपको 13 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ये 13 है और इस वाले हिस्से में ये 13, यानी कि हम पहले क्या करें, हमें क्या करना है, 13 को कॉमन लेना है। क्यों हम कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो प्लस है इसे प्लस सिंबल को हमें हटाना है, पूरे के पूरे डिजिट्स को हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आना है। और कब ये कंपोजिट नंबर होगा, इसमें अगर कोई एक डिजिट के सिवा यानी वन हो, वन के सिवा कोई एक डिजिट और हो, उसके सिवा अगर तीसरे डिजिट भी यहाँ पे आ गई, तब समझ जाइएगा ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्योंकि प्राइम नंबर में केवल कुल कितने फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स की संख्या दो से ज़्यादा होती है, ठीक है। बस यहीं से प्रूफ हो जाएगा। सो चलिए काम हम लोग करते हैं। तो हमने 13 देखिए यहाँ से कॉमन ले लिया, जब सीधी सी बात अगर इस हिस्से में 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 7 और 11। तो ये ब्रैकेट में हम क्या लिखते लिख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 11 लिख लेते हैं। और जब यहाँ से ये 13 से आप 13 कॉमन ले लेंगे तो बच्चा यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे केवल और केवल बचेगा वन। तो यहाँ पे हम यानी 7 × 11 और प्लस लगा लेते हैं वन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बस यहाँ से अब आप देखिए आपको डिमास थ्योरम अप्लाई करने हैं और वन यानी जो प्लस वन लिखा है इसको आपको क्या करना है, फिनिश करना है, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी कि पहले हम क्या कर लेते हैं, चूंकि हम डिमास में आपको पता है कि पहले हम डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे, 7 × 11 करेंगे और इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, वन को ऐड कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चा हो जाएगा 17, यानी कि लिख 13, ये वाला 13 हमने यहाँ पे लिख लिया है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 77 और ये जो वन है इसको हम यहाँ पे प्लस वन करके लिख लेते हैं, हमने यहाँ प्लस वन करके लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे, 77 में प्लस वन को बेटा क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो लेट्स ऐड इट, तो ये हो जाएगा 70 यानी 13 × 78। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, किसमें, दो वैल्यू में आ गई, बट यहाँ पे हमें देख करना क्या है कि अब हम 78 का भी क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो जब आप 78 का फैक्टर करेंगे तो आपको पता है कि 13 6 जा क्या हो जाता है, 78 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बेटा कि 78 को आप लिख सकते हैं 13 × 6। यहाँ पे ये 13 को हमने नीचे उतार लिया और 78 को हमने क्या लिख लिया, 13 × 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहली दो संख्याएं तो ठीक थी, यहाँ पे 13 आ गया, लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 6 भी फैक्टर के फॉर्म में आ गया। आप चाहे तो एक स्टेप आगे और बढ़ सकती हैं, खैर आपका आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। क्योंकि देखिए वन तो सीधी सी बात है बेटा क्या,
कि हर एक क्वेश्चन का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता ही होता है, यानी कि हमें 13 आ गया, और 13 के साथ एक नंबर आपको 6 और मिल गया, यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, और जैसे ही 2 से ज़्यादा हो गए आप यही बोल देंगे भाई ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। बाकी आप चाहें तो 6 को भी आगे एक स्टेप करके आप 2 × 3 के फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं, बट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13 है एज इट्स फैक्टर। ओके, तो बस यही आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फोर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब भाई इसका जो सेकंड हिस्सा दिया गया उसको भी लेते हैं, और सेम इसी मेथड से हमें क्या करना है बेटा, उस क्वेश्चन को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए है कि ये पूरा डिजिट तो मल्टीप्लाई में, ये वाला पूरा सेक्शन आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे +5 अलग से लगा दिया गया, बस वही थ्योरम आपको फिर से अप्लाई करना है कि पहले बच्चा आपको इस 5 + 5 को आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले आना है। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 हिस्से में बांटिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, देखिए दोनों में यहाँ पे 5 है और ये वाले हिस्से में 5 है, यानी आप 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट लगा देंगे, यानी इस पूरे हिस्से को हम दोबारा लिखेंगे, केवल 5 को दोबारा रिपीट नहीं करें, यानी 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 करके हमें लिख लेना। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या कर, चलिए लिख लेते हैं 7, 6, 4, देखिए हमने 5 नहीं लिखा, ठीक है 3, 2, 1, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 की बात करें, ये 5 आपने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया बच्चा ये यहाँ पे, तो इस 5 की जगह पे आपको क्या करना है, +1 लिख देना है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपको देखा देखना करना क्या है, जैसे हमने ऊपर ही क्वेश्चन में किया था, पहले आपको क्या करना है, इस पूरे हिस्से को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए फटाफट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो अगले स्टेप में देखिए हो जाएगा 5, जो इसे बेटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे डिजिट, तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1008, यानी कि 1008 मिल जाएगी। अब ये +1 बचा हुआ है, +1 को आप क्या करिए आगे यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस 1008 में 1 को जोड़ देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी बेटा वो मिल जाएगी 5 × 109, तो आइए 109 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 10 बेटा ये आगे इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि 109 कैन नॉट बी फैक्टराइज फैक्टर, देयर फोर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 109 इन एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया सॉल्व। सो आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग भूलिएगा नहीं कोई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और वो इस वीडियो का फायदा उठा पाएं। तो चलिए फटाफट मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।